न्यूबोरा एविएशन वन ऑफ द रनिंग बेस्ट एविएशन है एंड मैं चाहती हूँ जितने भी न्यू कमर्स है, जो न्यू स्टूडेंट्स है, वो हमारा इंस्टीट्यूट आके ज्वाइन करें एंड की टू योर ड्रीम्स, अपने सपनों को पूरा करें. मी एंड राइट नाउ माई एज इज़ जस्ट 30 एंड आई एम द डायरेक्टर ऑफ द न्यू ओरा. तो मेरे जैसे जितने भी जो अपकमिंग जो यंग गर्ल्स है वो मोटिवेशन लेके आगे बढ़े. दैट्स इट. थैंक यू. The organizers, the sponsors, Shobhit Sharma, for this award, because award हम artists के लिए और social workers के लिए एक token of appreciation होता है कि हम और day by day और बेहतर काम करें. So thanks a lot to LOT and especially to Shobhit. Thank you so much. थैंक यू. आज आप यहाँ पर आइए, किस चीज़ के लिए क्या बताना चाहेंगे? समथिंग अबाउट योर आउटफिट, कुछ आज स्पेशल लग रहा है. थैंक यू. आज मेरा आउटफिट एक डिज़ाइनर ने बनाया है, अस्मिता करके, एंड आज मुझे अवार्ड मिल रहा है फॉर बेस्ट एस्ट्रोलॉजर एंड बेस्ट टैरो कार्ड रीडर, सो ऑब्वियसली मैं अवार्ड रिसीव करने आई हूँ. बिग बॉस की जर्नी के बारे में, आप और बिग बॉस के बारे में ना ऑब्वियसली फॉलो करिए. हमारी बेस्ट फ्रेंड अंदर है सारा, सो वी आर सपोर्टिंग हर टोटली. शिल्पा जी इज ऑल्सो फ्रेंड, बट सारा तो हमारी बहुत क्लोज है. कितना फॉलो कर रहे हैं इस बार बिग बॉस आप? प्रॉपर फॉलो कर रहे हैं. इस बार अविनाश और दिग्विजय के बीच में जो हादसा देखा गया जी, अविनाश का धक्का काफी जोर से लगा दिग्विजय, उसको लेकर आप क्या कहते हैं? कितना राइट था और कितना लीगल था बिग बॉस के अंदर? ऑफकोर्स इट्स रॉन्ग. हमारे सीजन में भी वायलेंस अलाउड नहीं था. जब विशाल और अरमान का वो इंसिडेंट हुआ था तो एक्शन लिया गया था. तो आई मीन जहाँ तक मैंने टीवी में जो दिखाया गया था कि अविनाश ने पहले दिग्विजय को धक्का दिया, तो जाके दिग्विजय का रिएक्शन आया. सो आई थिंक दैट या देयर शुड बी सम प्रॉपर एक्शन अगेंस्ट दिस. शिल्पा शिरोडकर, शी इज़ वेरी बैलेंस्ड, बहुत बैलेंस्ड है, अच्छा वाइब देती है वो. मतलब वो किसी भी चीज़ अपने स्वार्थ के लिए नहीं करती है. अगर मेरे फेवरेट कंटेस्टेंट की मैं सारा के अलावा बात करूँ, इट वुड हैव टू बी शिल्पा जी. या थैंक यू. पर्सनैलिटी ऑल्सो, आई वॉज अ चीफ गेस्ट. त्रिशूल द डिवाइन मेरे हार्ट से बहुत क्लोज है, इट्स वेरी क्लोज टू माई हार्ट, बिकॉज सिक्स ईयर्स बैक आई वॉज वन ऑफ द a model who was walking the ramp behind a showstopper. So yeah, it is something very close, and today I've come here as a chief guest. It's an achievement, and all thanks to Shobhit, and that's all. All the best. Thank you. Sure. Ma'am, aaj is event ke bare mein kya batayenge? Kya kuch naya tha aur kya kuch aaj yahan pe special hai? आई थिंक सब में बहुत कैलिबर है और सबके कैलिबर को बहुत अच्छी तरीके से अप्रिशिएट किया गया है, विच इज़ द बेस्ट. एंड पीपल आर यू नो एक्चुअली अप्रिशिएटिंग द इवेंट. इट इज़ बीन ऑर्गेनाइज वेरी वेल एंड आई एम हैप्पी टू बी अ पार्ट ऑफ इट. हरबाज भाई, गुड टू सी यू. काफ़ी अच्छी जर्नी बिताकर अभी आप आ रहे हैं. यस यस यस. सबसे पहले जाना चाहेंगे आज यहाँ पर किस मोमेंट के लिए क्या अवार्ड? बताया नहीं तुमने को, फैशन शो से रिलेटेड. ओके, फैशन शो अवार्ड है और काफ़ी अच्छा लगा मुझे कि मैं यहाँ पे हूँ अभी, और देखते हैं आके मिलता हूँ फिर से आपको, फिर बातें करेंगे. क्या बात करनी है भाई? वादे फिलहाल देखा जाए भाई, आप दोनों की जोड़ी काफ़ी ट्रेंड कर रही है. जिस तरीके से मराठी बिग बॉस में बाहर निकलने के बाद हमें लगा फासला नजर आएगा, लेकिन दूरियां धीरे धीरे बढ़ते पास आ गई. क्या कहना चाहेंगे जो जर्नी आप दोनों की चल रही है? बस ऐसे ही चलती रहेगी, अब जितनी पास आते जा रही है और पास आते जाएगी, और आप लोगों को भी मजा आएगा, और जल्दी साथ में प्रोजेक्ट भी आ रहे हैं तो देखना जरूर आप लोग. ठीक है भाई. I'm nominated for the most promising upcoming singer. So, बहुत खुश हूँ. I'm very excited. How are you, brother? All good. I see. Lastly, मैं ये कहना चाहेंगे जिस तरीके से आपको award यहाँ मिल रहा है, कितना खुश होते हैं आपको इस award से? I think कोई भी आपको award दे, आपके काम के लिए appreciate करें, आपको तो अच्छा ही लगता है, तो मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है. Thank you, brother. Thank you so much. Bye. Awesome. Bye. Wait. यहाँ पे. यार फोटो मार लो यार. हो
बाउंसर थोड़ा सा ऐसे हो जो आदाब सना जी इधर तो देखो लेफ्ट में मैम सना जी अवार्ड अवार्ड उल्टा है सना जी अवार्ड उल्टा है हाँ ऐसे दिखाओ सामने अवार्ड उल्टा है ओ चलो वाइट 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 रोल करो रोल करो रोल है रोल है राइट सर चलो लो रोल रोल हाथ आगे रखो भाई बॉडी पीछे रोल रोल सो मैक्स सबसे पहले आपको कांग्रेचुलेशंस अवार्ड के लिए क्या कहना चाहेंगे आज की शाम के लिए बहुत शुक्रिया बहुत ज्यादा खुश हूँ और ये निकाह के बाद मेरा पहला अवार्ड है तो आई थिंक लक बरस रही है ऊपर वाले की तरफ से बहुत सारी इनायत बरस रही है आप लोगों की दुआएं तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है और ऐसी प्यार और दुआएं बरसाते रहे जी मैम रिसेंटली आपने अपनी लाइफ की सेकेंड जर्नी स्टार्ट की है यू गॉट मैरिड आपने अपने हस्बैंड के साथ फर्स्ट उमरा भी किया उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे जी माशाल्लाह ये मेरा निकाह और उमरा साथ में था तो ये बहुत आला दर्जे की चीज़ हो गई मेरे लिए और जैसा तसव्वुर किया था उसी तरीके से हुआ सो आई फील रियली ब्लेस्ड अभी रुखसती इंशाल्लाह अगले महीने है तो आप सबको शरीक होना है मैं आप सबको दावत दूंगी अलग निकाह के लिए आपने मदीना कोई क्यों चुना निकाह के लिए मदीना को इसीलिए चुना क्योंकि बहुत पाकीज़ा जगह है और मुझे बहुत सादगी से करना था और इस वजह से मैंने ये चुना और कहते ना उस वहाँ पर उन्हीं का बुलावा आता है जो जिसको ऊपर वाला चुनता है तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि ऊपर वाले ने मुझे चुना और शायद मेरी नीयत साफ थी आई थिंक इट्स ऑल अबाउट नीयत जब आपकी नीयत साफ होती है तो ऊपर वाला रास्ता आपके लिए आसान कर देता है कितना फॉलो कर रहे हैं हु हैज बीन योर फेवरेट कंटेस्टेंट एंड क्या खास बात है इस साल के बिग बॉस ज़रा भी फॉलो नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि आप खुद देख रहे हैं मेरा निकाह मेरे दो गाने मुसलसल रिलीज़ पर है तो इतनी ज़्यादा मसरूफियत है तो उस हवाले से थोड़ा सा मुश्किल है कि मैं यू नो इस बार के बिग बॉस को फॉलो कर सकूँ बट जो भी रील्स वगैरह पर देखती हूँ मुझे ये समझ में आया कि विवियन मुझे बहुत ज़्यादा दिख रहा है और सलमान खान दिख रहे हैं तो बस यही बाकी आपको और बहुत बड़ी न्यूज़ मैं बहुत जल्दी देने वाली हूँ तो बस दुआ में याद रखिएगा करियर रिलेटेड हाँ मैं न्यूज़ की बात कर रही हूँ तो फिर लोग सोचेंगे अच्छा आप कौन सी न्यूज़ आ रही है तो वैसा नहीं जो आप सोच रहे हो आपकी नॉटी स्माइल बता रही है आई थिंक इट्स वेरी अनफेयर ऑन माई पार्ट टू गिव एनी जजमेंट बिकॉज आई एम नॉट फॉलोइंग द शो यू नो दैट्स द थिंग इसलिए वाजिद जी बहुत आला है मज़े में है और हम मुंतजर है कि कब हमारा यू नो रुखसती हो जी बोले थैंक यू सो मच बेस्ट ऑफ लक सो मैम फर्स्ट ऑफ ऑल गुड टू सी यू क्या कहना चाहेंगे आज की शाम के बारे में कैसी है आप कुछ अपडेट मैं ठीक हूँ मुझे पता है मेरे फैंस नाराज रहते हैं मुझसे क्योंकि मैं पब्लिक अपीयरेंसेस ऐसे बहुत कम करती हूँ बट दैट्स बिकॉज आई एम ट्रैवलिंग ऑल द टाइम आई एम वेरी हैप्पी दैट आई एम हियर फॉर दिस इवेंट टुडे लॉट ऑफ ट्रेंड्स अचीवर्स अवार्ड मुझे अवार्ड मिल रहा है तो मुझे खुशी है और कॉन्ग्रेचुलेशन टू एवरीबडी रिसेंटली एक वन ऑफ द आर्टिकल्स में ये पढ़ा गया था कि देयर हैज बीन मेनी मूवीज हैव बीन ऑफर्ड टू यू बट बिकॉज ऑफ आपका एक रीजन था कि बहुत सारे मी टू अक्यूज वाले लोग थे उसमें सो आई एम नॉट डूइंग इट तो क्या कहना चाहेंगे इस बारे में हाँ लोग तो मेरे पीछे पड़े ही हैं काफ़ी टाइम से 2018 के बाद से और 2018 19 20 में मुझे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा बिकॉज़ मैंने भी माइंड बना लिया था कि वापस नहीं आऊँगी बट मुझे ऑफ़र्स काफ़ी टाइम से आ रहे हैं सो 2020 में मुझे बहुत अच्छे कुछ ऑफ़र्स आए जो मतलब ठीक ठाक थे बहुत ज़्यादा ग्रेट नहीं थे बट टू बिगेन अगेन आई थॉट इट वॉज़ ओके बट देन आई सॉ दैट पीपल आर सैबोटेजिंग माई प्रॉस्पेक्ट्स मेरे बारे में गलत गलत अफवाहें या शायद कुछ बातें बोलकर बहुत सारी झूठी झूठी चीज़ें शायद मेरे बारे में फैला के पता नहीं कैसे या फिर दड़ा धमका के या किसी चीज़ से मेरे प्रोजेक्ट्स को ख़राब किया बट यू नो आई बिलीव समटाइम्स यू फील वेरी बैड व्हेन थिंग्स डोंट गो व्हाट यू आर एक्सपेक्टिंग बट एवरी क्लाउड हैज़ अ सिल्वर लाइनिंग और मुझे लगता है कि कोई इंसान कोई दुश्मन इतना शक्तिशाली नहीं हो सकता कि मेरे मेरे डेस्टिनी को डिसाइड करें तो वो फिल्में शायद नहीं होनी थी और उतनी ग्रेट नहीं थी वैसे भी अच्छा होगा कुछ और बेटर होगा जैसे आपने बात की कि बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आपको ऑफर भी हुए हैं सो कोई ऐसा एक्टर या कोई ऐसा स्टार जिसके साथ आपको ऑफर हुई थी वो इस वक्त बहुत
आई डोंट वॉन्ट टू टॉक अबाउट दोज प्रोजेक्ट्स ओनली, क्योंकि अगर किसी ने दुश्मनों की बात सुनकर या किसी नेगेटिव इंसान की बात सुनकर उन्होंने अच्छा बाय द वे मुझे पता भी नहीं उन प्रोजेक्ट्स का क्या हुआ, हो सकता है रुकी हुई है, बाद में अपनी इंडियन पब्लिक कैसी है ना, उनको लगता है कि नहीं नहीं वी वॉन्ट टू वर्क विथ हर, विल जस्ट वेट फॉर ऑल दिस टू पास, सो हो भी सकता है, तो मैं कमेंट नहीं करना चाहूँगी. अगर किसी ने किसी की बात सुनकर प्रोजेक्ट मेरा स्क्रैप किया है तो मैं क्यों उनको उनके बारे में मीडिया में बात करूँ. इफ वी स्पीक अबाउट मूवीज का तो खैर ठीक है, अगर हम रियलिटी शोज की तरफ बात करें, देयर हैज बीन मेनी एक्टर्स हु स्विच टू टीवी डूइंग रियलिटी शोज एंड नाउडेज रियलिटी शोज को भी काफी ज्यादा बूम मिल जाता है, तो कभी आपके दिमाग में ऐसा आया है कि ओके लेट्स स्विच टू टीवी और लेट्स गो फॉर रियलिटी शोज, जैसे बिग बॉस है, इंडियाज लाफ्टर शेफ है, ऐसे बहुत सारे शोज है यू नो हु गेट मैसिव पॉपुलैरिटी एंड वो तरफ बहुत सारे मिलियंस ऑफ पीपल वॉच देम एट अ टाइम, तो व्हाट अबाउट बिग बॉस? मुझे मैं किसी रियलिटी शो का स्पेसिफिक मैं जिक्र नहीं करूँगी, बट सारे रियलिटी शोज़ के मुझे ऑफर आ चुके हैं, सारे के सारे जितने भी आपके टॉप 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 रियलिटी शोज़ हैं वो मुझे फ़ोन कर करके पागल कर देते हैं. जब उनका सीज़न का कास्टिंग स्टार्ट होता है तो मुंबई के मीडिया के जितने भी एजेंसीज है, जितनी भी मेरे लोगों के साथ जान पहचान है, मतलब उनका बस चले तो मतलब मेरे अड़ोस पड़ोस के लोगों को भी वो बोल दे कि तनुश्री को कॉल करो. तो मुझे नहीं करना है रियलिटी शो, मैंने मना इसलिए किया क्योंकि एक रियलिटी शो है उसमें मैं फिज़िकली उतनी फिट नहीं हूँ कि मैं वो कर सकूँ, और एक रियलिटी शो है कि मैं मेरा माइंड मतलब मैं योगा मेडिटेशन करके ना अब तक काफ़ी सुकून में आ गई हूँ, मुझे उस रियलिटी शो में जाके अपने दिमाग का दही नहीं करना है, तो मुझे उतनी कॉन्ट्रोवर्सी चाहिए ही नहीं लाइफ में. और टी वी के ऑफर्स हमेशा से आते हैं, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम कि क्या करना है मुझे. आई विल नेवर डू अ रियलिटी शो लाइक दैट, इट्स नॉट माई पर्सनैलिटी. मुझे ना कॉन्ट्रोवर्सी की ज़रूरत है, ना मुझे टी आर पी की ज़रूरत है, मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है. मैं बाकी पार्टिसिपेंट्स ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि इट्स अ बैड थिंग, इंसान की अपनी अपनी ज़रूरत होती है, मेरी को ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है कि मुझे उस तरह की जगह में जाके जहाँ पे कोई भी मेरी बेइज्जती कर सकता है, कोई भी मेरे मुंह पे कुछ भी बोल सकता है. इतने साल योगा मेडिटेशन और आध्यात्म से जुड़ने का फ़ायदा तो कुछ होना चाहिए ना, कि दिमाग में बुद्धि होनी चाहिए मेरे, कि आपको जब दिख रहा है दलदल है सामने, आप क्यों जाके उस दलदल में आप गिरोगे, फिर लपोटोगे अपने आप को, फिर बोलोगे सारे स्वर लोग मिलके मेरे को टॉर्चर कर रहे हैं. उस तरह की जगहों में ऐसी चीज़ें होती हैं, मुझे नहीं जाना है. विद ड्यू रिस्पेक्ट टू एवरीबडी, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू 90% ऑफ द पीपल देयर, आई एम नॉट इंटरेस्टेड. आई एम वेरी हैप्पी कि मेरा जो आशिक बनाया गाना है वो कितना 300, 400, 500 million व्यूज क्रॉस हो चुका है यूट्यूब पर, और मुझे लगता है कि आज के जनरेशन के बहुत कम एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस होंगे जिनके किसी फिल्म या गाने को इतनी पॉपुलैरिटी मिली है, तो आई एम वेरी हैप्पी. उस फिल्म ने मुझे सब कुछ दिया. ऑफ कोर्स आई बिकेम अ स्टार बिकॉज ऑफ दैट फिल्म, और टू बी वेरी ऑनेस्ट आई थिंक आई शुड डू मोर वर्क. थैंक यू वेरी मच फॉर कीपिंग मी रेलेवेंट ऑल द टाइम ऑल दीज ईयर्स एंड सपोर्टिंग मी इन एवरीथिंग, यू नो माई सोशल इम्पैक्ट मूवमेंट्स एंड एवरीथिंग. I am what I am because of you guys, and thank you so much. Thank you so much, ma'am, for your time. It's been lovely talking.